सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मर्दानी में। इस बार हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता। हम जानेंगे इस खास पेशकश में कि उन्होंने अपने जीवन के सफ़र में क्या क्या तो उपलब्धियां हासिल की, किन किन संघर्षों का सामना किया और समाज को वो क्या संदेश ऐसा देना चाहती हैं जिससे माता पिता अपनी बेटियों को उनका हक दें ताकि वो भी आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास प्रोग्राम की खासियत ये है कि हम चाहते हैं कि लोग बाग अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं करें और उसके लिए हम दिखाना चाहते हैं कि आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसमें क्या क्या संघर्ष रहे, कैसे इस मुकाम पे पहुँचे, किसका सहयोग रहा, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म यहाँ जयपुर में ही हुआ है, राजस्थान जयपुर ज़िले में, और हम चार बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे दो छोटी बहनें और उससे छोटा भाई। तो आप जान ही सकते हैं कि तीन बहनों के बाद भाई की क्या प्रथा अपने समाज में चली आ रही है, जो कि मम्मी पापा को तीन बेटियां और उसके बाद बेटा भी मतलब पैदा करना पड़ा। और क्योंकि बेटे का रुझान आज भी समाज में अगर हम देखें तो पुराने टाइम से जो चला आ रहा है, आज भी इतनी भ्रूण हत्याएं होती हैं हम समाज में देखते हैं, और बेटे के रुझान के लिए चार चार पांच पांच बेटियां पैदा कर ली जाती हैं कि हाँ बेटा नहीं हुआ, हमारा वंश कैसे चलेगा। मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ कि बेटियों के होने पे उनको बोझ समझा जाता है और बेटे के होने पे और थाली बजाई जाती है और हमारा वंश चलेगा, खुशियाँ मनाई जाती है। तो बचपन में तो मेरा बचपन अच्छा बीता है, क्योंकि मेरे से पहले भी मेरी मम्मी के मतलब बेटा बेटी होकर मर चुके थे, तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा लाड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी हूँ तो मेरी परवरिश में कोई कमी रही है या मेरे दादी बाबा बुआओं ने इतराज किया है, ऐसा नहीं था। बहुत लालन पालन प्यार से, लाड प्यार से हुआ है। और मेरे मम्मी पापा को तो मेरे पे बहुत ही फ़ख्र था, बचपन से ही बहुत मुझे एक्टिव बनाया उन्होंने और हमें हर गेम्स से लेकर, उस ज़माने में भी आज से 45 साल पहले भी, मतलब स्विमिंग तक के लिए मैं सीखने जाती थी, बास्केटबॉल प्लेयर थी, स्टेट लेवल तक खेली हूँ। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी मेरे पेरेंट्स ने, मुझे खूब आगे बढ़ने की हमेशा हमें ऐसा पर्यावरण भी मिला है और हमें प्रेरित भी किया गया है। तरक्की भी की, अपने आप को स्थापित किया, नहीं कहीं ना कहीं ऐसा समाज में होता होगा कि जब आप आगे बढ़ते होंगे तो उस समय मम्मी पापा को कुछ पुरानी विचारधारा के लोग ये बोलते होंगे कि नहीं बेटी है कि दूसरे घर जाएगी, तो ऐसे कुछ संस्मरण याद हो तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और कैसे, कौन सपोर्टर बना उस समय, मम्मी या पापा या दादा दादी, जिन्होंने विश्वास जताया कि नहीं ये बेटी हमारा नाम रोशन करेगी और नए इतिहास के पन्नों पे और उस पे अपनी जो भी है दस्तखत करती जाएंगी जो आप कर रही हैं लगातार, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग तीन बहनें थे और एक हमारी बुआ, वो भी हमारे बराबर ही थी। जब चारों मेरी दादी और दादी बुआ सब लोग क्यों पढ़ा रही है इतना बेटियों को, लड़के कहाँ से मिलेंगे तुझे, पढ़े लिखे लड़के क्या पढ़ाई जाएगी तो कुंवारी बिठाई रखना है क्या, इस तरह समाज में रिश्तेदार इस तरह की बातें करते थे कि क्यों पढ़ा रहे हो इतना। लेकिन मेरे मम्मी ने उन सब कोई बातों को कोई तवज्जा नहीं दी और जितना हम पढ़ना चाहते थे हमें पढ़ाया। एमए किया मैंने, उसके बाद बीएड किया, शादी से पहले ही बीएड भी किया। तब उस समय थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी नहीं, परिवार जॉइंट फैमिली थी हमारी कि हाँ
हालांकि उस समय आज की फ़ीस के मुकाबले तो बहुत कम फीस लगती थी, पर फिर भी मैं, मेरे में खुददारी ये थी कि मैं ये चाहती थी कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर ही और अपना आगे की पढ़ाई करूं। तो कहाँ कहाँ था? तो मैंने प्राइवेट बैंक में 80 डेज की जॉब लगा करती थी उस समय, तो मैंने रिज़र्व बैंक में बगड़िया भवन के पास जो है वहाँ पर 80 डेज जॉब किया, राजस्थान बैंक SMS के सामने वहाँ पर 80 डेज जॉब किया। और उन्हीं मतलब मैंने पापा से बोला था मैं अपने खुद पे बल पे बीएड करना चाहती हूँ, और उन्हीं पैसों से मैंने बीएड की फ़ीस भरी और मैंने बीएड किया। हालांकि मम्मी पापा पूरा सपोर्ट, जैसे पढ़ती थी रात को 1 बजे तक पढ़ रही हूँ तो पापा मम्मी मेरे साथ साथ बार बार बेटा चाय बना के लाऊँ तेरे लिए, हम मुझे बहुत परिवार का सपोर्ट पूरा मिला। लेकिन अब सामान्य जो रिश्तेदारों का तो रहता ही है, हम चारों ने शादी ब्याह में फंक्शंस में जाना ही छोड़ दिया था। चारों जवान बेटियां हैं और ये बिठा रखा है, शादी नहीं करती, इनको पढ़ाई जा रही है, मम्मी पापा को इस तरह के बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे। जैसा कि आपने बताया कि परिवार का सपोर्ट मिला है, तो हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको भी इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं या चाहे अलग रहते हैं, महंगाई का दौर भी है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी बेटियों पे विश्वास करें, कैसे साथ दें, उनका भरोसा जीतें ताकि उनकी बेटियां भी अपने आप को स्थापित कर पाएँ इस समाज में और अपनी छाप छोड़ पाएँ? देखो, समाज तो हमेशा विरोध करता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मेरे को आगे बढ़ाने में, हम सब बहन भाइयों को पढ़ाने में, मम्मी ने उन सब की बातों को कोई तवज्जा नहीं दी और हम जितना पढ़ना चाहते थे हमें आगे पढ़ाया। मेरे दोनों बहनें, मेरे भाई सब ने बहुत पढ़ाई की है। शादी के बाद कुछ उस समय क्या हुआ कि मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब था, क्योंकि पहले बीएड करते ही मेरे सभी साथी गवर्नमेंट जॉब में प्रिंसिपल हैं, कोई शिक्षा संकुल में है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि शादी के वक्त मैं जॉब नहीं कर पाई। पेरेंट्स इस मामले में कि अगर ससुराल वाले जॉब करवाएंगे तो तुम करना, और उस समय ससुराल वाले मेरे बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे विचारों के हैं, लेकिन उन दिनों थोड़ा सा मेरा ब्रेक लग गया था, 2-4 साल मैं जॉब नहीं कर पाई, इसलिए गवर्नमेंट जॉब मैं आज नहीं करती हूँ। लेकिन इनका सपोर्ट रहा आगे पढ़ने में, क्योंकि सभी मेरे ससुर जी फॉरेस्ट ऑफिसर से रिटायर्ड हुए हैं और मेरे जेठ जी भी एक्सियन रहे हैं, मेरी ननद भी अपना स्कूल खुद रन कर रही हैं। आपको इन्होंने पढ़ाया तो आपने और क्या क्या डिग्री ली? तो मैंने उसके बाद, उन्होंने कहा हाँ पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, मेरा और हौसला बढ़ गया और मैंने फिर से डबल एमए किया है। उसके बाद मैंने एमएड किया, एमएड करने के लिए क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो मेरी सास ने कहा हाँ बेटा पढ़ ले, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब हो तब छुट्टी मार लेना। तो मेरा हौसला और बढ़ता गया, मैंने एमएड किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से और पीएचडी किया। तो मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट रहा और मेरे मम्मी पापा का भी बूस्टअप करते रहे मुझे, मेरे भाई बहन ननद सबका मेरा पूरा सपोर्ट रहा और मैं आगे बढ़ती गई। थोड़े थोड़े संघर्ष बीच बीच में आते रहे, क्योंकि बच्चे भी मेरे सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रही हूँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कई बार आने में लेट हो रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कई बार ऐसी भी स्थिति आई, लेकिन मैंने मैनेज किया कि हाँ साहब किचन में खाना भी चढ़ा रहे हो, बीच बीच में पढ़ भी रहे हो, अपना पीएचडी का भी तैयार कर रहे हो, थीसेस सब कुछ किया। आज मैं प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल पद पर हूँ और बीएड कॉलेज में बस्सी स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ। उससे पहले मैं फागी सेंट जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में थी, उससे पहले अग्रवाल में थी, बीलवा में थी संस्कार भारती में, उससे पहले मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी 6 साल। तो इस तरह मेरा 20 साल का ये अध्यापन क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। शादी को मेरे 32 साल हो गए हैं, तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्राइवेट करती रही, लेकिन बीच बीच में मेरे, क्योंकि बीमारी में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, मेरे ससुर जी भी हो गए थे, तो इनकी भी पूरी सेवा की मैंने, बीच बीच में छुट्टियाँ लेके घर का भी संभाला और बाहर भी संभाला। आप कितना मानती हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है इस समय और जो पुराने समय में थी उसमें कितना चेंजेज आया है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा,
हम समाज को बदल सकते हैं तो बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ मानती हैं आप? अगर हम महिलाओं की दशा दिशा इन दोनों को बदलना चाहें तो क्या आप मानती हैं कि सिर्फ शिक्षा ही वो जरिया है जिसके द्वारा हम उनको बदल सकते हैं, उनको अधिकार दिला सकते हैं, या सिर्फ आंदोलन और जो जिस तरह की गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं इन्हीं से ही शुरुआत हो सकती है? आप सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं, थोड़ा सा ये भी आप बताइए। कानून तो बहुत वर्षों से बने हुए हैं। मेरे विचार से मैं ये मानती हूँ कि कानून बनाने और उन्हें लागू करने से ही बदलाव नहीं आ सकता। नारी शक्ति जो दुर्गा काली के रूप में हम हैं, हमें शीतला की तरह हम शांत भी हैं और दुर्गा की तरह काली भी हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद स्त्रियों को ही आगे आना पड़ेगा। शिक्षित नारी होगी तो उसमें आत्मविश्वास जगेगा, उसमें खुददारी होगी, वो अपने परिवारजन को अपनी आत्मीयता से कन्वेंस कर पाएगी। ऐसी घटनाओं के लिए मैं जिम्मेदार सिर्फ पुरुष को ही नहीं मानती हूँ, उसमें औरतें भी जिम्मेदार हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हाँ, ये शोषण उत्पीड़न का मेन है, उसमें या तो आप खुद अपने आप में अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें, सामने वाले को यदि हम जरा भी लिफ्ट नहीं मारेंगे तो किसी भी इंसान की, किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको आपके साथ दुर्व्यवहार करे। ज़्यादा हो गई हैं उनकी ज़रूरतें, ज़्यादा हो गई हैं, उसकी पूर्ति वो लोग नहीं कर पाती हैं, इस मारे इस संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं तो उनकी परवरिश ठीक तरह से नहीं हो पाती है। आज मेरे बच्चे तीनों बहुत अच्छी लाइन में हैं, दो लड़कियां हैं मेरे, दूसरी लड़की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, पहली लड़की MBA है, गुड़गांव में रहते हैं, बाहर रहते हैं बच्चे, 12 साल से बाहर रह रहे हैं, एक की शादी हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों को खुद आत्मसुरक्षा करनी आती है और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वो संयुक्त परिवार में पली हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट। मैं आपसे अपने दर्शकों को कुछ एक संदेश भी दिलवाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी बेटियों को वो अधिकार दें और समाज के जो और बच्चे हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो भी अपने आप को सुधारें या उनको भी एक संदेश मिले कि वो किसी भी दूसरी बेटी को, महिला को बुरी नज़र से न देखें। और साथ ही लड़कियों को भी क्या संदेश देना चाहेंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो लड़कों को अपने घर में, अपने परिवार में अपनी माता का पूरा आदर करें, अपनी बहनों का आदर करें, उन्हें पूर्ण सम्मान दें और बेटी और बहन में उन्हें आदर की भावना से देखें। और इसी तरह समाज में भी जितने भी अड़ोस पड़ोस में या अपने शिक्षा क्षेत्र में उनको लड़कियाँ मिलती हैं उनके साथ वो बहन का ही व्यवहार करें और उन्हें गलत निगाह से ना देखें, ऐसा बर्ताव रहना चाहिए लड़कों को। उनको ये संस्कार घर में ही मिल सकते हैं, घर में उनके माता पिता, दादी दादा, बुआ, चाचा चाची सब लोग मिलकर उन्हें इस तरह से संस्कारित करें बचपन से ही, जिससे कि वो इस तरह की भावनाएं उनमें आए ना। आप माता पिता को क्या संदेश देंगी कि बेटियां हों तो उनको पक्षपात नहीं करें? उनको पक्षपात बिल्कुल ना करें। यदि बेटा होने की खुशी मनाते हैं तो बेटी होने की उससे भी डबल खुशी मनाएं, क्योंकि आज वो आत्मनिर्भर है, वो दोनों परिवारों के कुल का नाम करती हैं, एक ही परिवार को नहीं चलाती, अपने दोनों परिवारों का ही नाम करती हैं, वो दोनों परिवारों को चलाती हैं। अगर बेटी नहीं होगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी? ये है, तो हमें यत्र पूजयन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, तो फिर जब वहीं देवता रमते हैं जहाँ पे नारी की पूजा होती है। ये तो सदियों से चली आ रही है कि हमें नारी की पूजा होती है, झांसी की रानी। आज आप गीता फोगाल्टे को देखो, गीता फोगटे को देखो, पहलवान है, ऐसी पहलवान शक्तिशाली हमें नारी को बनाना है। अच्छा, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से भी बहुत फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो रहा है। लड़कियां अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हैं, उन्हें थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए कि हाँ, हमें अगर बुजुर्ग कहते हैं, हमें भी कहते थे और आज हम भी अपने बच्चों से कहते थे कि 8 बजे बाद आप घर से बाहर ना रहें, आज़ाद रहें, लेकिन आज़ाद रहें पर सीमा में रहें, वो अपनी सीमा ना लांघें। तो आपने जाना हमारी इस खास पेशकश में एक कैसे समाज में बदलाव आ सकता है, कैसे बेटियों को उनका हक दिया जा सकता है। और लड़कों को तो हम संयुक्त परिवार में रहकर या वैसे कैसे भी
परिवार के पुरुषों को, लड़कों को हम संस्कार दे सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं। साथ ही एक प्रतिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज़ादी तो रहे लेकिन एक सीमा के अंदर रहे। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए लेकिन महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उस सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाए, जिसके बाद कोई ना कोई अपराध घटित होता है और समाज के लिए एक बुरी खबर साबित होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश मर्दानी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपनी बेटियों को पूरा हक देंगे, सम्मान देंगे और दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। इस मर्दानी में इस बार सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई स्टोरी में, एक और नई प्रतिभा के साथ। जानेंगे कि कैसे समाज में उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित किया। कैमरामैन विजय सिंह राव के साथ यतीश शर्मा, HBTV न्यूज़, जयपुर।